नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल RKM Tech Info पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज लेके आए बहुत बड़ी खबर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तर्ज पर अब जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी की जाएगी भर्तियां। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा IT व नॉन IT पदों पर भर्ती की जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद पहली बार 39 साल बाद जयपुर विकास प्राधिकरण के भर्ती व पदोन्नति के नियमों में व्यापक बदलाव किया है। इस बदलाव से किस तरह बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और किस तरह JD कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर खुलेंगे, इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने भर्ती नियमों में बदलाव किया है। JD के भर्ती व पदोन्नति नियमों में दूसरे विभाग की छाप, विभिन्न सरकारी विभागों में लागू प्रावधान किए गए हैं शामिल। JD के नियमों में बदलाव कर शामिल किए गए हैं प्रावधान। JD इन बदलावों को लागू करने के लिए जारी करेगा अधिसूचना। अभियांत्रिक शाखा से जुड़े नियमों में PWD के नियमों के समान, नगर नियोजन शाखा के नियमों में नगर नियोजन विभाग के समान, लेखा शाखा के नियमों में बदलाव के लिए सरकार के वित्त विभाग के समान, विधि शाखा के नियमों में राज्य के विधि विभाग के समान प्रावधान किए शामिल। IT शाखा के नियमों में बदलाव के लिए DIT को आधार बनाया गया है। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण ने विभिन्न भर्तियों पर भर्ती करवाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी थी, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि आपके भर्ती नियम काफ़ी पुराने हैं, जबकि दूसरे विभागों में सम्मान पदों पर नियम अलग है। अतः उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने भर्ती नियमों को बदलने के लिए एक समिति का गठन किया था और अब 39 साल पुराने नियमों में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव किया गया है और इसके अप्रूवल के लिए उच्च स्तर पर भेजा गया है। इसके पश्चात जयपुर विकास प्राधिकरण में पहली बार भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है, जो राज्य सरकार के DOP के रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी के द्वारा भर्ती नियमों में संशोधन कर भर्ती नियम तैयार किए गए, जिसका अनुमोदन हाल ही में कार्यकारी समिति की बैठक में श्रीमान आयुक्त महोदय की मेहरबानी से हो चुका है। साथियों, अब आचार संहिता हटने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण में IT व नॉन IT पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती की जाएगी। भर्ती परीक्षाओं के संबंध में नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और YouTube चैनल RKM Tech Info को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।